हे गाइस व्हाट्स अप, सो हाउ आर यू डूइंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहन त्यागी एंड आई एम योर फ्रेंड, योर गाइड एंड योर टीचर। सो गाइस व्हाट्स अप, हाउ आर यू डूइंग एंड प्लीज डू टेल मी हाउ इज द जोश, प्लीज डू टेल मी दिस थिंग। हेलो 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 हेलो, यस गाइस आई एम लेट। हेलो यूट्यूब, व्हाट्स अप व्हाट्स अप। हेलो नीलम, हेलो हेलो अनु, व्हाट्सअप, कैसे हैं नीलम जी, त्रिपदे जी, व्हाट इज अप विद यू, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, व्हाट्सअप। सो आई एम रियली सॉरी गाइस, द क्लास इज डिलेड बाय 15 मिनट्स। ये थोड़ा सा इशू हो गया था दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यूज वर देयर एंड दीज थिंग्स विल हैपन गाइस, वी विल ट्राई टू मिनिमाइज इट बट दीज थिंग्स विल हैपन एंड गाइस वी हैव टू विन ओवर सच थिंग्स। So guys, if I told you that I am coming in 15 minutes, so you should wait. Guys, if you do not wait, it means you are not serious. Obviously, there might be some work or your schedule, fine. But still, hey guys, what's up? Can you hear me? Can you see me? Tell me. What's up? Push is high. Hello, Atya. Hello, Jeevan. What's up? Nishi. Nishi Gupta, got your message. I will definitely look at it. Fine. What's up, guys? Kaise hain? No issues. I will go slow. Make notes, no issues in that. Hello Tabassum, what's up? Hello Abha, hello Vaishnavi, hello Mugda, hello Kavita, what is up with you? Tabassum, Vaishnavi, guys, please do share this class on each and every platform. Please, dosto, is pehli baat to bhai, class ko like karein. Amar Sharma, what's up? Please like the class. Yes, I will go slow, Amar, no issues in that. Fine. Okay, like the class and guys, share this class on each and every platform. Very, very, very important. Fine. Okay. Pradyuman, I have shared the link. You can come to YouTube as well. Fine. Aapki marzi hai. चलिए, मैं तरुण बहुत बढ़िया हूं, आप बताएं व्हाट्सअप, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट फर्दर अडू एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो। फाइन, ओके गाइस, जस्ट अ सेकेंड, यस, सो दिस इज डेली करंट अफेयर्स विद मी, माई नेम इज रोहन त्यागी। गाइज लेट्स स्टार्ट। नंबर वन दोस्तों, सबसे पहली न्यूज, फर्स्ट न्यूज, फ्रेश तवे पे एकदम फ्रेश, दैट इज एपी वैक्स। दोस्तों व्हाट इज दिस एपी वैक्स? दोस्तों नहीं, ये कोई नई वैक्सीन नहीं है, बट सिर्फ एक क्रेडिट है। गाइस मान लीजिए, फॉर एग्जांपल न्यू वैक्सीन इज लॉन्च्ड, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट्स से बांग्लादेश और लेट्स से योर ओन फेवरेट कंट्री पाकिस्तान इज देयर। फाइन, now guys, Pakistan do not have money, you know, Pakistan is taking loan from Saudi Arabia to pay a loan, Pakistan is taking a loan from China to pay Saudi Arabia's loan, yes or no? So Pakistan is doing so. So guys, let's say a new vaccine comes in the market, dosto ek nayi vaccine aa jati hai market mein, theek hai dosto, ye news aap sabhi logon ne suni hogi that Pakistan is taking a loan from China to pay a loan to Saudi Arabia. ये बात तो सभी ने सुनी होगी। तो गाइज लेट्स से गाइज व्हाट हैपेंस, पाकिस्तान डू नॉट हैव मनी टू बाय अ वैक्सीन, कोविड वैक्सीन इज लॉन्च्ड एंड पाकिस्तान डू नॉट हैव मनी, सो व्हाट पाकिस्तान विल डू, पाकिस्तान विल गो टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान विल गो टू एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड माई डियर फ्रेंड्स,
एशियन डेवलपमेंट बैंक अंडर इट्स न्यू इनिशिएटिव नेम्ड एज एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी विल प्रोवाइड पाकिस्तान रैपिड एंड इक्विटेबल सपोर्ट. दोस्तों दे विल प्रोवाइड पाकिस्तान विद टेक्निकल नो हाउ, दे विल प्रोवाइड पाकिस्तान विद ऑब्वियसली कैश बिकॉज इट इज अ बैंक. दोस्तों ये बैंक है ना, दोस्तों ये क्लियर बात हो जानी चाहिए. भाई आबा प्रिया जी प्लीज यू कैन गो टू दी वेबसाइट ऑफ ग्रिड अप एंड डाउनलोड दिस पीडीएफ, यू नो दिस करंट अफेयर्स पीडीएफ फ्रॉम दैट साइट डायरेक्टली. देयर इज नो इश्यूज इन दैट. फाइन प्यारो, समझ में आती है बात. हेलो नीलिमा, व्हाट्सअप एंड व्हाट इज अप विद यू, कैसे हैं आप. दोस्तों आई हैव शेयर्ड अ लिंक विद यू, प्लीज ज्वाइन. आई एम सीइंग मोर कमेंट्स ऑन यूट्यूब गाइस, सो प्लीज ज्वाइन नाउ. My dear friends, as you know, so this is APVAX, that is Asia Pacific Vaccine Access Facility. Fine. Now, my dear friends, सबसे पहले बात कर लेते हैं, what is Asian Development Bank? So guys, Asian Development Bank was created in 1966. It is a multilateral development bank, as you can see. And my dear friends, it is located in Manila, Philippines, headquartered in मनीला फिलीपींस. और कौन सा एरिया कवर्ड करता है ये, एशिया एशिया पैसिफिक कंट्रीज, दैट इज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक, यानी कि एशियन कंट्रीज तो इसमें है ही, विद दैट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड अदर पैसिफिक आइलैंड नेशंस इसके अंदर मेरे प्यारे मित्रों आती हैं. प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट. सो दिस इज ए डी बी फॉर यू, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर यू. इज दैट थिंग क्लियर. चलिए तो मेरे प्यारे मित्रों, व्हाट इज एपीवैक्स. नाउ अगर आपको एपीवैक्स में you want some money, you want some support through Asian Development Bank, for example, dosto humne jo example liya tha, let's say Pakistan ka, Pakistan takes support from APVAX. Ab maan lijiye bhai Pakistan mein to bahut zyada hi padhe likhe log rehte hain, yes or no? So they say that we have developed a new vaccine, Pakistani says, and they say that we have developed a new vaccine that you need to look at a horse, and after looking at a horse in the eyes, COVID-19 will be cured. So let's say this was the vaccine that was developed by your favorite country Pakistan. So Pakistan wants ki sir hum ghode ko dekhenge aur apna COVID-19 theek kar lenge. Theek hai? So guys, do tell me, in that case will Pakistan get a donation? No. So there should be some certain criterias over which you can take the help of this bank. Yes or no? Tell me. There should be. So guys, correct criterias hain, let's look at those criterias. The first criteria is it must be procured through COVAX. Guys, COVAX is nothing but a program of WHO, World Health Organization ka program hai. The full form is COVID Vaccine Access. I will tell you, CO means COVID-19. Yes, Prasanna, jo iske members hai only, those. VA यानी कि वैक्सीन एंड X यानी कि एक्सेस. तो भाई अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते, ओनली दोज वैक्सीन दैट आर प्रोक्योर्ड थ्रू कोवैक्स ऑफ WHO माई डियर फ्रेंड्स आर एलिजिबल. देन गाइज दैट वैक्सीन शुड बी प्री क्वालिफाइड बाई WHO, आप देख सकते हैं, एंड इट शुड ऑल्सो हैव अ स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी टू अथोराइज इट. आपकी कंट्री के अंदर से इंडिया के अंदर Ministry of Health hai, yes or no? So that way, my dear friends, these three important things. Hanji, samajh mein aati hai baat? Okay. So guys, COVAX was launched by WHO under an program known as ACT Accelerator. Dekhiye dosto, what is COVAX? Yahan par puri maine aapko information de rakhi hai, unki website se aapke liye snippet kar aaya hu. You can check it. That is COVAX is what. Theek hai? Dosto. अब इसके अंदर इफ यू लुक एट दिस कोवैक्स फैसिलिटी दैट वाज क्रिएटेड बाय WHO गाइस, इसके अंदर बहुत सारे पार्टनर्स हैं एंड वन ऑफ द मेन पार्टनर्स इज सेपी. दोस्तों चलिए सेपी के बारे में जान लेते हैं, व्हाट इज सेपी. सो माय डियर फ्रेंड, सेपी इज नथिंग बट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू क्रिएट न्यू वैक्सीन फॉर न्यू डिजीजेस, एज यू कैन सी. यस और नो, फाउंडर कौन कौन है दोस्तों, देख सकते हैं आप, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, Even India, Norway, World Economic Forum and the Wellcome Trust, they are the members of this, you know, consortium. Remember this thing.
It was created in Davos, Switzerland, my dear friends, in 2017. Remember this fact as well. So guys, very, very, very important. Yes, it is a private-public partnership. Very, 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 very important. Yaad rakhiyega, dosto. Chaliye, next news, guys. The most important news of the day, my dear friends. Very, very important. Anulekha, yes, it can get for COVID-19 because Pakistan is a member of ADB, that is Asian Development Bank. Fine. Guys, aap jo bhi cheez likh rahe hain, likhte rahe. Now, the most important news of the day, and I will, guys, believe me, aap logo ko, I will tell all the background. I will tell each and everything that you need to remember. Fine. Hello, Roshan, what's up? गाइज फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और जो मैं लिंक भेज रहा हूं यहां पर ज्वाइन कर लीजिए आकर दोस्तों देखिए ग्रेड अप ऐप के ऊपर. चलिए मेरे प्यारे मित्रों नाउ रिसेंटली अ न्यू इंडेक्स इज लॉन्च्ड नेम्ड एज इंडिया वर्कप्लेस इक्वालिटी इंडेक्स. व्हेन एवर अ न्यू इंडेक्स इज लॉन्च्ड व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क दैट इज हु भाई who launched this index? Fine. So guys, this is a index that is launched by Keshav Suri Foundation. It is an NGO with FICCI. FICCI आपको पता है क्या है दोस्तों? Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. आप देख सकते हैं. It is a non-governmental trade association. As you can see, it was created in 1927. Very very old guys. As you can see, very very important thing. So guys. इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस का एंड प्राइड सर्कल यूके इन तीन फाउंडेशंस का मिली जुली ये भगत है. ये बात आपको याद रखनी है. नाउ गाइस अंडर दिस है ना हमने फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कर दिया हु वी हैव टोल्ड इट. नाउ व्हाट इट डज सो माय डियर फ्रेंड्स व्हाट इट डज इज इट रैंक्स कंपनीज एंड वर्क प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन इक्वालिटी for LGBT plus community. What is LGBT guys? Tell me. Lesbians, gay, bisexual and transgender community. So, jab ye log guys employment ke liye jaate hain, they are being discriminated with. Yes or no? So, kis organization mein kitne discrimination hai? Us basis pe it ranks all the organization as simple as that. Bahut hi simple cheez hai. Theek hai? Now, my dear friends, let's go ahead and भाई कवान बता रहा हूं आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रेड अप की वेबसाइट पे. जस्ट सर्च ऑन गूगल ग्रेड अप यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स इसी की आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स. गाइस कमेंट बॉक्स चेक कीजिए और फटाफट से आकर ज्वाइन कीजिए. ठीक है क्लियर है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया है. ऐश्वर्या इज दैट क्लियर? तबस्सुम इज दैट क्लियर? नाउ गाइस लेट्स लुक एट होमोसेक्सुअलिटी फ्रॉम द लॉ पर्सपेक्टिव. दोस्तों इंडिया के अंदर आप सभी को पता है व्हाट वाज द केस. तो देखिए दोस्तों अच्छा पहले इस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं. गाइस दिस इंडेक्स रैंक्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अपॉन 9 एरियाज. दोस्तों 9 एरियाज हैं. पहला है पॉलिसी एंड बेनिफिट्स, दूसरा है एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, तीसरा है एम्प्लॉय नेटवर्क ग्रुप, फोर्थ इज एलाइज एंड रोल मॉडल्स, फिफ्थ इज सीनियर लीडरशिप, सिक्स्थ इज मॉनिटरिंग, सेवन्थ इज प्रोक्यूरमेंट and my dear friends 8th is community engagement and last is my dear friends additional work. So 9 pillars hain guys jo aapko yaad karne hain to kar lo. I would rather say do not remember it, they are not important because this index is private, it's not public, government ne launch nahi kiya hai. Yaad rakh lo kabhi aa sakta hai ki kisne launch kiya hai, bas itna yaad karna hai. Now the most important thing becomes is homosexuality legal in India? If it is legal, how it became legal? Or if it is illegal, guys, how it was illegal? What is the law? So, my dear friends, aap sabhi logo ko ye baat pata honi chahiye that Section 377 of the Indian Penal Code 1860 was there. Fine. Now, guys, let's read what Section 377 says. Fine. Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished. It means guys, us time ke hisab se
व्हाट इज नेचुरल इंटरकोर्स, अगर उसके किसी भी आप डाइवर्ट करते हो किसी भी और चीज में, मैं आप बोल नहीं पा रहा हूं ढंग से गाइस, आप समझ सकते हैं, सो दैट विल बी इलीगल एंड दैट विल बी पनिश्ड माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पूरी हिस्ट्री समझाने वाला हूं, कॉपी पेन निकल जाने चाहिए गाइस, प्लीज नोट दिस डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट मी जूम इन टू दिस फ्लैग, सो आई हैव जूम्ड इन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट history of section 377 in India. Guys, I am going to explain it to you in a very beautiful way. Please write it down. Very, very important. Aapko is tarah se aaj tak kisne nahi samjhaya hoga. Now guys, number one, let's look at the history. Guys, as you know, that section 377 was introduced in 1861 during the British times. Aur wo aaj tak We are continuing. आज तक हम उसको लेकर चल रहे हैं। गाइस ब्रिटेन में एक बगरी एक्ट था 1533 में, सॉरी सो इन ब्रिटेन देयर वॉज अ बगरी एक्ट इन 1533 दैट मेक्स सेक्सुअल एक्टिविटीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर इलीगल। फाइन, यानी कि एक मैन एंड वुमेन के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके अलावा और भी कोई, और कोई अगर इंटरकोर्स हुआ किसी और के बीच में एक्सेप्ट मैन एंड अ वुमेन, सो दैट इज माय डियर फ्रेंड्स इलीगल, एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा आपको मैं ये चीज खोलकर नहीं बता सकता, प्लीज रिसर्च कर लें, ठीक है। नाउ माई डियर फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वॉज दिस। नाउ गाइज अगेंस्ट दिस सेक्शन 377, My dear friends, against Section 377, AIDS भेदभाव विरोधी आंदोलन in 1991 was started. और guys, इन लोगों की एक publication आई जिसका नाम था Less Than Gay, a citizen's report, जिसने first time इंडिया में ये बात उठाई that 377 is archaic, is against the constitution and it should be repealed. ये किसने बात करी थी सबसे पहले इंडिया में? एड्स भेदभाव विरोध आंदोलन इन 1991, प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल माय डियर फ्रेंड्स। देन आफ्टर दिस आर्टिकल ऑफ एड्स भेदभाव विरोध आंदोलन माय डियर फ्रेंड्स, देयर वाज व्हाट, टेल मी, देयर वाज अवेयरनेस अमंग द पीपल, मतलब जो लोग थे कम्युनिटी के, इवन आउट ऑफ कम्युनिटी जो लोग थे पढ़े लिखे, उन सभी के अंदर अवेयरनेस जागी दैट Section 377 has to be removed. So, my dear friends, a PIL, Public Interest Litigation, was filed in Delhi High Court. In Delhi High Court, my dear friends, a PIL was filed. Now, Delhi High Court ne initially, guys, is PIL ko lene se mana kar diya. Delhi High Court, my dear friends, it negated. Okay, in acknowledging this PIL, mana kar diya ki we are not going to look after this PIL. Theek hai? Now, my dear friends, what happened? Bahut important hai, dosto, dhyan se dekhiyega. Supreme Court intervened aur unhone bola ki yes, this PIL should be heard by Delhi High Court. And hence, guys, kya aaya? The 2009 Nas Foundation case versus Government of NCT Delhi. दोस्तों ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ा गया। Now in this case, my dear friends, as you can see, Article 377 was declared unconstitutional by the Delhi High Court. What? Tell me. Article guys 377 पूरी तरह से रिमूव हो चुका हो गया। तो in essence, guys, यहां पर एक बात आपको याद रखनी है। There are two things. Number one is marriage, you know, gay or lesbian marriage. And second thing, guys, is what? Privacy. यानि कि आप अपने private space में क्या करते हो, क्या नहीं करते, ये दूसरी चीज है. तो right now also, guys, in this Nas Foundation case, only this private affair was taken care of, not about gay or lesbian marriage, जो अभी तक भी legal नहीं है इंडिया में. Fine. Now, guys,
दिस सेक्शन 377 वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और 377 का कौन सा पार्ट, नॉट ऑल द पार्ट, इफ नाउ यू आर डूइंग इंटरकोर्स विद एन एनिमल स्टिल दैट विल बी इलीगल. बट इफ देयर आर टू कंसेंटिंग एडल्ट्स, क्या दोस्तों, इफ देयर आर टू कंसेंटिंग एडल्ट्स दे कैन डू एनीथिंग इन देयर प्राइवेट स्पेस. ये बात यहां पर क्लियर हो गई होगी, मैं इसे ज्यादा खोल के दोस्तों नहीं बता रहा हूं, ठीक है. इस क्लास की भी कुछ हमें गरिमा रखनी है. फाइन, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इज दैट थिंग क्लियर टू यू और नॉट, टेल मी. और मैंने एक लिंक भेजा है कमेंट बॉक्स में दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों फटाफट से आ जाएं और वहां पर कर लें, क्योंकि वहां पर ही मैं आपकी कमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ पाऊंगा एंड आई विल रिप्लाई टू यू. फाइन, फटाफट से वहां जाए. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अब आर्टिकल सेक्शन 377 वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द दिल्ली हाईकोर्ट. फाइन गाइज, अगेंस्ट दिस डिक्री ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट अ केस वॉज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट. और उस केस का नाम क्या था, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन केस 2013. सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया दोस्तों ये केस, एंड इट वॉज अ टू जज बेंच, इट वॉज अ टू जज बेंच केस. फाइन, दो जजों ने डिक्री दी थी दोस्तों. दिस केस ऑफ सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नास फाउंडेशन केस, इट अगेन री इंस्टेटेड सेक्शन 377. उन्होंने बोला कि सेक्शन 377 वॉज लीगल और उसको गलत हटाया है दिल्ली हाईकोर्ट ने. सो वी री इंस्टेट माई डियर फ्रेंड्स दिस सेक्शन 377. माई डियर फ्रेंड्स, नाउ गाइस, आपको पता होगा 2013-14 में इलेक्शन होने वाले, तो दैट टाइम बोथ द मेजर पार्टीज गाइस दे वर क्लियर दैट सेक्शन 377 शुड गो, it should go, it should be removed. Both the Congress and the BJP, my dear friends, they were at consensus that section 377 should go. Fine. ये बात चल रही थी. Now guys, देखिए, ये बात आपको clear होनी चाहिए that here section 377 was removed. Here it was reinstated, वापस आ गया. ठीक है, ये बात समझ में आती. Then guys, again this case was heard in 2016 NAS Foundation curative petition. Now, इस petition में दोस्तों ये बात हुई कि yes, this case should be taken up. ये जो decree थी, that was not right. इसको और deep में पढ़ने की जरूरत है, look in करने की जरूरत है. Fine. In NAS Foundation case. Fine. Now, my dear friends, अब उसके बाद आया 2017 पुट्टा स्वामी केस. नाउ गाइस, पुट्टा स्वामी केस के अंदर होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर कुछ नहीं था, बट दैट वाज गिवन दैट देयर इज राइट टू प्राइवेसी, देयर इज राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21, ठीक है. सो देयर वाज, माय डियर फ्रेंड्स, नथिंग स्पेसिफिक टू होमोसेक्सुअलिटी. फाइन, स्टिल सेक्शन 377 वाज देयर आफ्टर सुरेश कुमार कौशल केस. उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों आया क्या, देख सकते हैं आप. Then comes Navtej Singh Johar versus Union of India case 2018. My dear friends, आप देख सकते हैं. In this case, guys, what happened? Supreme Court stated that consensual sexual acts between adults cannot be crime. Hence, section 377 was deemed illegal. My dear friends, और थोको लाइक इस टेबल के लिए, जिसने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है भाई फटाफट ले लो. किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर माय डियर फ्रेंड्स, टेल मी दिस थिंग, क्लियर है. तो गाइस, दिस वाज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज यू कैन सी इन नवतेज सिंह जौहर केस, वेयर आर्टिकल 377 वॉज रिमूव्ड, वॉज डेमोलिश्ड बाय अ फाइव जज बेंच. भाई फाइव जजेस बेंच थी जिसने मेरे प्यारे मित्रों इसको हटा दिया. तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको यहां पर रिप्रेजेंटेशन किया है डेटा का. भाई प्लीज नोट डाउन, टेक अ नोट आउट ऑफ इट और टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट, ले लिया, क्लियर है दोस्तों. बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा. नाउ गाइस, नाउ सो गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ यहां पर ये बात हो जाती है, एंड नाउ गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड दैट इज
special assistance to states for capital expenditure scheme. See, number one, what is this capital expenditure? Bhai, ek scheme ke baare mein baat kar rahe hai, that, you know, pertains to capital expenditure. So, what is this capital expenditure, or in short known as CAPEX? Guys, CAPEX is any expenditure that you do on assets. Dosto, mere pyare mitro, aapki bhi life mein, when you have money, and if you invest in something like property, that is an asset, fine. Or if you invest in something like partying, fooding, traveling, etc., all these are consumptive expenditure, fine. So guys, this capital expenditure that creates assets, it will improve the productivity in the future. Though economy ki productivity hai in the future, it will be increased. Now guys, aap sabhi ko pata hai, that during COVID-19 times, the tax collection of the states has come down. Yes or no? Tell me. So tax collection thi states ki wo kam ho gayi hai. So states, they are in a financial trouble and they do not have any money for capital expenditure. To usi cheez ko supplement karne ke liye, Kendra Sarkar ne, central government has launched this special assistance to states for capital expenditure scheme. ये बात आपको मेरे प्यारे मित्रों याद रखनी है. Now this was announced on 12th October 2020 by the then finance minister. आप ये चीज यहां पर मेरे प्यारे मित्रों देख सकते हैं. Very 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 important in the आत्मनिर्भर भारत पैकेज. ये बात क्लियर होती है नहीं होती? Now my dear friends, तो ये जो अभी की न्यूज है, ये कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में आपको दिखाई थी, बिकॉज रिसेंटली Government has decided to extend this special assistance. You can see, isko extend kar diya gaya, iski news aaj hi aayi hai dosto, for the year 2020 to 2021. Please do remember this thing. Fine. Bhai, upar likha hua aa to raha hai, kaun se paper se related hai? GS paper 3, dekho. Kya ho raha hai bhai, dekhte kyun nahi ho? First page and last page pe likhayega news ki kis se related hai. Now guys, What is this scheme? मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समझा देता हूं, ठीक है? Special assistance to state capital expenditure scheme. हमने बात कर ली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हमने ये बात कर ली हु, ये बात कर ली हाउ. अब थर्ड बात करते हैं वॉट. नाउ गाइज, दिस स्कीम इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट, पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री. सबसे पहले बात करते हैं गाइज पार्ट वन की. नाउ गाइज, अंडर पार्ट वन, The northeastern states, जो seven northeastern states हैं, namely Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Meghalaya. Fine. ये जो seven northeast states हैं, they have been allocated 200 करोड़ रुपीस. कितना दोस्तों? 200 करोड़ रुपीस has been allocated to these seven states. क्योंकि Assam is a bigger state with higher population. My dear friends, so 450 crore rupees has been allocated to Assam. So, pehli part baat karta hai guys, northeast region ki. First, very very important, my dear friends, please write it down. First part talks about the northeast region. Now, let's talk about the part 2. Now guys, under part 2, all other states under part, that are not under part 1, yani ki da guys, Except Northeast region, jitni bhi states hain, they will be given the capital expenditure, my dear friends, according to their share of central tax as per the 15th Financial Commission. Mere pyare mitro, Financial Commission is formed every 5 years to determine how the tax of the central government should be divided between state and the center. तो जो प्रपोर्शन स्टेट्स को मिलना था दोस्तों, उसी प्रपोर्शन में ये एक्सपेंडिचर उनको मिलने वाला है. याद रखना है, बहुत ही आसान चीज है दोस्तों. पार्ट थ्री ऑफ द स्कीम टॉक्स अबाउट सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म. इसकी बात करता है दोस्तों, सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म. इसके अंदर 2000 करोड़ रुपीज का अमाउंट आपको मिलेगा इफ यू आर वर्किंग इन 3 out of 4 रिफॉर्म्स. ये 4 रिफॉर्म्स यहां पर है दोस्तों. इफ यू आर वर्किंग 3 में आप किसी भी काम कर रहे हो, तो यू विल गेट 2000 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा कैपिटल. क्या क्या है दोस्तों? वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म,
पावर सेक्टर रिफॉर्म। तो दोस्तों ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर्स हैं, इसमें से आपको तीन करने हैं, आउट ऑफ दीज यू हैव टू डू थ्री, देन यू विल गेट द एक्स्ट्रा 2000 हाउ मच करोड़, यस और नो। सो ये दोस्तों स्कीम है जहां पर भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग टू दी स्टेट गवर्नमेंट, वेरी वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दिनेश चौधरी जी आप ये बताइए मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं, मैं क्या स्पैनिश में बोल रहा हूं, अज़दीदानत खुशबख्तम क्या मैं फारसी में बोल रहा हूं। फाइन, रिफॉर्म्स दिखा दीजिए, कौन से रिफॉर्म्स, अच्छा किस एरियाज में आपको काम करना है, मैं आपको दिखा देता हूं जो फोर रिफॉर्म्स हैं, इसमें से किसी में किसी भी तीन में अगर आप काम करेंगे तो आपको मेरे प्यारे मित्रों 2000 करोड़ रुपीस का बेनिफिट मिल जाएगा, वेरी वेरी सिंपल भाई, ठीक है, क्लियर है। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज लाइक द सेशन, यूट्यूब फैमिली व्हाट्सएप जोश मस्ट बी हाई, लाइक मारो फटाफट से एंड शेयर करो क्लास को। फाइन चौधरी चौधरी क्लियर है, बहुत ही आसान न्यूज है, बहुत ही इजी सिंपल है। गाइज लेट्स मूव बैक एंड माय डियर फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द अदर न्यूज। देखिए एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, माय डियर फ्रेंड्स सम एनिमल्स, देयर आर सम एनिमल्स दे आर एग्जॉटिक पेट्स। भाई ये एग्जॉटिक पेट्स क्या होते हैं, दे आर दोज एनिमल्स that are threatened, that are endangered, that are critically endangered and you are keeping them as pets. Fine, except dogs and cats and some birds can be kept as pet legally. So exotic wildlife species ko as a pet rakhna is illegal. So guys, government has launched an amnesty scheme. Isme ye baat boli gayi hai bhai, अगर आपके पास कोई एग्जॉटिक पेट है तो आप वॉलंटरीली आ जाएं और हमें बता दें कि आपके पास है, हम आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने वाले, वी विल नॉट टेक एनी लीगल एक्शन अपॉन यू एंड यू प्लीज सरेंडर योर पेट टू अस एंड टाटा बाय बाय। तो दोस्तों ये जो स्कीम है, ये जो एक स्कीम जो है, जो वॉलंटरीली स्कीम है, ये लॉन्च करिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। फाइन सो एग्जॉटिक पेट्स आप देख सकते हैं, दिस इज अ लिमोर, दिस इज अ एज यू कैन सी, ठीक है, एक लिजर्ड टाइप है दोस्तों ये। तो ये आपको क्लियर यहां पर होनी चाहिए बात, क्या ये स्कीम है। फाइन सो गाइज आप सभी को पता है माय डियर फ्रेंड्स दैट दिस एग्जॉटिक live species pets, they are controlled by sites. What is sites, do tell me my dear friends. Sites is what, tell me, is convention on international trade in endangered species. So dosto ye hai sites, aapko pata hona chahiye, it was created in 1973 in Geneva, Switzerland and effective from 1975. As you can see there are 183 countries which has signed this convention, जिसके अंदर जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके ट्रेड के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स देयर इज अ बैन, देयर इज अ एग्जॉटिक मींस दे आर इंडेंजर्ड। फाइन नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यस इगुआना, नाउ माय डियर फ्रेंड्स एज यू कैन सी व्हाट इज दिस साइट्स, चलिए भाई बात कर लेते हैं गाइस। गाइस साइट्स इट हैज थ्री अपेंडिक्सेस, नंबर वन appendix 2 and appendix 3. Now guys, those species are put in appendix 1, maan lijiye guys. So this is country 1 and this is country 2. So if you want to export this species from country 1 to country 2, you require a export permit from sites here and you require a import permit, my dear friends. Fine. So they are very endangered species that are put here. Now, appendix 2 mein wo species hai, jahan pe if you are trading from country 1 to country 2 in these species, ko ek export permit chahiye hoga keval. Only export permit, no import permit is required. Now, guys, dear friends, appendix 3 is that appendix where a member country of sites can request
टू पुट आर स्पीशीज इन अपेंडिक्स सो दैट इट कुड बी प्रिजर्व्ड. ठीक है, साइट्स ने खुद से स्पीशीज को इंक्लूड नहीं किया है एंड इट वर्क्स माय डियर फ्रेंड्स जस्ट लाइक अपेंडिक्स 2, यू रिक्वायर अ एक्सपोर्ट परमिट जस्ट फाइन. तो ये बात भी दोस्तों आपको क्लियर होनी चाहिए अबाउट साइट. सो दिस इज माय डियर फ्रेंड्स व्हाट दिस इज साइट्स. फाइन, नाउ माय डियर फ्रेंड्स यहां तक बातें क्लियर होनी चाहिए. क्लियर है दोस्तों? इज दैट थिंग क्लियर टू यू और नॉट? प्लीज डू टेल मी दिस थिंग फर्स्ट. फाइन, कौन कौन से अपेंडिक्सेस हैं साइट्स के अंदर? सो दिस वॉज दिस माय डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट आ मिस्ट्रिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग. तो ये एक ट्री फ्रॉग है जो आप देख सकते हैं, अ वेरी रेयर स्पीशीज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, जो हमें कहां मिला है अभी सेनकोट्टा गैप के अंदर केरला में. भाई बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा ट्री फ्रॉग के बारे में आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज दिस सेनकोट्टा गैप. सो गाइज दीज आर योर वेस्टर्न घाट्स. सो गाइज वेस्टर्न घाट्स इट हैज मेनी पासेस. अब देयर आर टू पासेस इन दी स्टेट ऑफ केरला that are very very important. Pass number one is this Palaghat gap, जहां पर guys Nilgiri mountains खत्म होते हैं and then Annamalai mountains they start. Now guys इसी प्रकार से there is a Senkota gap in the Cardamom Hill region. Fine, that connects my dear friends. Senkota gap connects. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. Senkota gap connects Thiruvananthapuram Trivandrum on one side with my dear friends Madurai on the other. Please do remember this thing. वहीं दोस्तों Palaghat gap जो है it connects Kochi on one side my dear friends with Coimbatore on the other. ठीक है, so here in Senkota gap this swamp tree frog is found. Clear? ये बात clear होती है दोस्तों? Senkota gap, Madurai is in Tamil Nadu and Trivandrum is in obviously capital of Kerala. So guys this frog that is found here very very important. Yaad rakhiyega dosto, usse zyada important hai kis location pe mila hai, the gaps that you have. Yes or no, tell me my dear friends. Now next news, a very very important news for you my dear friends about GS paper 1. Dekh lijiye. Now guys UNESCO, by UNESCO is a very important organization. This is UNESCO my dear friends for you, created in 1945, part of United Nations, you know, specialized agency. UN ECOSOC ke andar ye aati hai, headquartered in Paris, France. Guys, UNESCO World Heritage Sites, sabhi ne naam suna hoga, World Heritage Sites hoti hai. UNESCO ka MAP program hai, Biosphere Reserve program hai, sabhi ko ye baat nahi pata hogi. So, UNESCO has created a new award. Pyare mitro, UNESCO has created a new award in the field of creative economy and this award will be named after the father of Bangladeshi freedom movement named as what? Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Sabhi ko pata hoga Sheikh Hasina ji ke ye kaun hai, you should all know. What is guys, tell me, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman award. Award kyun milega guys? This award will be given for what? Tell me. It will be given for creative economy. ठीक है, creative economy. ये बात आपको मेरे प्यारे मित्रों याद रखनी है. He was the first president of Bangladesh, as you can see. Fine. भाई zoom in कर दूं मैप में, एक second भाई कर देता हूं आपको, अभी आगे बात कर लेंगे, दोबारा से आ जाएंगे इस topic पे, पहले ये बात कर लेते हैं. So this was this, my dear friends. Now guys, for you, we are launching Grade Up UPSC Conclave 2020. आप प्रोग्राम देख सकते हैं. On 19th December, my dear friends, we will be starting at 3 PM, where we will be giving you an introduction to the civil services examination. Then at 4 PM, guys, Mr. Arvind K. Padhe will be there to guide you. And then at 5 PM, we have Mr. Shafi Pandit, my dear friends, who will guide you. Then at 6 PM, we have Usha Pandey ji, the IAS, and she will be guiding you. Then you have, you know, Topper's Talk with Mr. Shubham Gupta at 7 PM. And that 8 PM, guys, you have a session that will be taken by Harshmeet sir. Then, guys, on 20th, you have this program, as you can see. So, I will tell you all, please, bhai, come and do UPSC conclave. Karein.
ठीक है, ये बात आपको मेरे प्यारे मित्रों याद रखनी है भाई। चलिए मैप के ऊपर चलते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ जूम इन करके मैप को। सो गाइस दिस वाज दिस मैप, आई विल जूम इन। सो दिस इज सेनकोट्टा गैप, दिस इज पालाघाट गैप इन द वेस्टर्न घाट एज यू कैन सी। क्लियर है? बाय गाइस, टेक केयर, फाइन। चलिए, सो मेरे प्यारे मित्रों, दिस वाज दिस एंड दिस इज ग्रेड अप सुपर। गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू ग्रेड अप सुपर, वी प्रोवाइड यू अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर जीएस प्री का मेन बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। व्हाई, व्हाट डू यू गेट इन दिस कोर्स गाइस? दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट माय डियर फ्रेंड्स। दीज आर द दिस इज आवर स्टार फैकल्टी एज यू नो एंड दीज आर आवर रेट्स एज यू कैन सी। So guys, this is it from my side today. बाद में बात करेंगे. Bye guys, take care. I will meet you tomorrow at 9 p.m. Bye, take care. Jai Hind, Jai Bharat. And my dear friends, never give up and never back down. And God bless all.